आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे। कथित आरोपियों के द्वारा नक्सलियों के नाम से धमकी देकर फिरौती की गई थी मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हीना कावरे शनिवार को बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंची, जहां सीजेएम न्यायालय में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में जब वे विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, इस दौरान आरोपियों के द्वारा उन्हें और उनके परिवार को नक्सलियों के नाम से धमकी भरा पत्र भेजकर लाखों रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास की गई थी, जिसमें जांच के दौरान पत्र फर्जी पाया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। लांजी विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे को कथित नक्सलियों के नाम से फर्जी पत्र भेजा गया था, जिसमें लाखों रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इसमें भेजे गए कथित नक्सली पत्र में नए नक्सली दलम का जिक्र था। इसी बात से बालाघाट पुलिस भी हैरान थी, जिसकी पुलिस ने गंभीरता से जांच की और आरोपियों को धर दबोचा। इसी मामले में आज सुश्री हीना कावरे अपने पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ माननीय न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत हुई। पिछले साल जब मैं जनवरी में 2 पत्र मिले थे धमकी भरे, उसी के संबंध में पेश किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष माननीय हीना कावरे मैडम के न्यायालय में कथन थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय प्रकरण क्रमांक 285/19 में आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपने बयान दर्ज कराए। घटना 2019 की है। जनवरी में उपाध्यक्ष महोदय को 2 पत्र प्राप्त हुए थे, वो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धमकी भरे पत्र थे। उनसे कुछ रकम मांगी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संदर्भ में वो पत्र मैडम द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए गए और उसके बाद में जांच और अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। वो विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के 3/1/2019 को एक धमकी भरा पत्र आया था, उसकी शिकायत मैडम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिया गया था और उसी संदर्भ में मैडम जो है उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसी संदर्भ में मैडम आज न्यायालय का सुनने बयान देने के लिए। कितने इसमें आरोपी थे और किस तरह की धमकी थी? देखिए, ये जो आरोपी जो न्यायालय के समक्ष हैं, संतोष और अशोक करके, ये बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाला एक अशोक करके है, वो स्टूडेंट है और उसी के एक भाई को इसमें आरोपी बनाया गया।